एवरीवन, सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ विट्रो न्यूक्लियर एनएमआर। लास्ट वीडियो में जो फर्स्ट पार्ट था इसका, उसमें मैंने आपको एग्जाम्पल करवाया था SF4। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं। ऐसे ही होता है SF6। इसके लिए सबसे पहले क्या इम्पोर्टेंट इसका हम स्ट्रक्चर बनाने कैसे। सल्फर होता है ऑटोमोस्ट वेरी इलेक्ट्रॉन 6 + क्लोरीन 6 और डिवाइड बाय 2, कितना आएगा 12/2 = 6। 6 मतलब sp3d2, ये कितना हो गया, और ये क्या होता है ऑक्टाहेड्रल, शेप कैसे हो गई ऑक्टाहेड्रल। तो ये कैसे है, सल्फर यहाँ पर है, यहाँ फ्लोरीन लगे हुए हैं, नीचे फ्लोरीन लगे हुए हैं। अब हम देखोगे कि जितने भी फ्लोरीन है सारे क्या है, सबका एनवायरमेंट सेम है, सेम होने की वजह से क्या है, सारे सिमिलर प्रोटोन सिमिलर फ्लोरीन है। तो क्या होगा, सर हम 19-फ्लोरीन NMR लेते हैं, 19F NMR। तो जब हमारे पास 6 फ्लोरीन है, ये सारे सेम है, और अगर सेम है तो कपलिंग क्या होगी, कपलिंग सिर्फ किससे होती थी, सल्फर के साथ। सल्फर क्या होता है 32, है ना। और मैंने आपको फर्स्ट वीडियो ऑफ प्रोटोन NMR में बताया था कि जिसका भी मास नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल बाय होता है 4, वो क्या होता है NMR इनएक्टिव। तो कपलिंग इसके साथ हो नहीं सकती, ये सारे सिमिलर है, आपस में भी कपलिंग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, 6 फ्लोरीन से आएगा हमारे पास सिंगलेट। ठीक है, यहां से ये एग्जाम्पल सोल्व हो गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है P4। इसमें पूछा हुआ है किसका, अगर हम 31P NMR लेते हैं तो कितने सिग्नल्स आएंगे और जितने भी सिग्नल आएंगे उनकी स्प्लिटिंग क्या होगी। देखो, इस वाले क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी आपको P4 का स्ट्रक्चर पता हो। अगर स्ट्रक्चर पता नहीं होगा तो हम एनवायरमेंट नहीं देख सकते, और एनवायरमेंट नहीं देख सकते तो फिर सिग्नल भी निकाल सकते। अब इसका होता है स्ट्रक्चर वो इस तरह का होता है, ये जो P है ये सबसे अटैच होता है तीनों P से। ऐसे जो ये वाला P है इस वाले P से अटैच, इस वाले से और इस वाले से, जो ये वाला P है इससे अटैच हो गया, इससे अटैच है और अब इससे भी अटैच होगा। तो ऐसे ये जो ये P है ये क्या है, तीनों से अटैच है। तो आप देख रहे हो सब में कॉमन क्या है कि जो एक फॉस्फोरस है वो क्या है, तीनों बाकी जो बचे हुए तीनों P वो सबसे अटैच है। तो उसके वजह से क्या हुआ, सारे क्या है सिमिलर, ये भी बाकी के तीनों पी से अटैच है, ये भी बाकी के तीनों पी से अटैच है, तो ये सारे क्या हो गए सिमिलर। तो इसका अगर हम लेते हैं 31P NMR, तो यहाँ पे क्या होगा, चारों पी का क्या आएगा, एक सिंगल आएगा, वो क्या होगा सिंगलेट। क्योंकि जब सारे ही सेम है, होमोटोपिक है, आइडेंटिकल है, तो स्प्लिटिंग नहीं होगी। इस तरह से हम देखते हैं। तो बस ये कि जो हेट्रो न्यूक्लियर NMR जितना भी है उसके लिए आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता होगा फिर आप नहीं कर सकते क्वेश्चन। अब एक नेक्स्ट है P4S3। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको स्ट्रक्चर पता हो। उसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, सल्फर यहाँ पर, सल्फर इस सल्फर, पी सल्फर हम हो गए, हम फिर से पी ड्रो करेंगे यहाँ पर, इस तरह से पी ड्रो हो गए। और उनमें क्या होता है, ये सारे क्या होते हैं, जैसे ये वाला जो पी है एक इस वाले पी से अटैच है और एक इस वाले पी से अटैच है। ऐसे जो ये वाला पी हो गई इससे भी अटैच है और इससे अटैच है, ये जो पी है इस वाले पी से अटैच है, इससे अटैच है। तो आप देखोगे जो ये तीनों पी ये कैसे सिमिलर है, क्योंकि क्या है कि जो दो बोन्ड्स है वो तो पी से अटैच है और एक सल्फर से अटैच है। इसका भी सेम, दो पी से एक सल्फर से, दो पी से एक सल्फर से। तो जो ये वाले पी है हमारे पास फॉस्फोरस, इस तरह के हैं तीनों सेम है। जो इस तरह के होते हैं उसके लिए बेटर ये रहेगा कि आप प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर सी टू एक्सेस देखने की बजाय आप क्या देखो कि जो बोन्स है वो कितने 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 से अटैच है। तो उससे आपको क्या होगा, पता चल जाएगा कितने सेम है कितने डिफरेंट है। तो ये वाला पी है इन बाकी तीनों से डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तीनों बोन्स क्या है, सल्फर से अटैच है। तो ये क्या हो गया हमारे पास बी। इसमें हमारे पास क्या आएंगे, दो सिग्नल आएंगे, एक सिग्नल तो होगा इन तीनों पी का, जो तीन फॉस्फोरस है उनकी वजह से एक सिग्नल आएगा, और जो ये एक जो पी भी है इसकी वजह से हमारे पास एक सिग्नल आएगा। आप स्प्लिटिंग किस तरह से हम कैसे देखेंगे, आपको पता है सल्फर जो है मैग्नेटिक, सल्फर क्या है, नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियर है, तो इसकी वजह से क्या होगा, स्प्लिटिंग नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, 1, 2 यहाँ पर क्या है 2J कपलिंग, और ये सारे पी क्या है सेम, जितने भी जो पी से वो लगने लगते हैं 2N9+ लगाते हैं, और एन क्या है जो जितने भी पी जो सेम है, टी है हमारे पास सेम, पी की आई वैल्यू होती है हाफ, और साथ हो गया हमारे पास +1, यहां से यहाँ कैसे करेंगे 3+1 = 4। तो जो पी भी है हमारे पास तो आएगा क्वार्टेट, इसका आ जाएगा क्वार्टेट, और जो बाकी तीन पी है या इसे आप कपलिंग करेंगे, 2J कपलिंग है, तो इन तीनों पी का क्या आएगा इसकी वजह से डबलेट।
देखो अगर आपको समझ नहीं आ रहा मैं किस तरह से निकाल रही हूँ, तो मैं पहले प्रोटॉन और कार्बन 13 एनएमआर कंप्लीट करवा चुकी हूँ। सो आई वुड सजेस्ट यू कि डायरेक्टली हेटेरो न्यूक्लियर पर जंप करने से पहले बेटर होगा अगर आप प्रोटॉन एनएमआर और कार्बन 13 एनएमआर बहुत अच्छे से समझ गए हो, ठीक है। उसके बाद ये बहुत ईजी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, सबकी स्पिन हाफ ही है। जैसे हम पहले स्प्लिटिंग करवाते थे, यहाँ पर भी उसी तरह से स्प्लिटिंग करवा रहे हैं। नेक्स्ट है SpF4। इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे कैसे बनेगा, Sp में क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक, क्योंकि क्या है इनर्ट गैस, प्लस 4 ऑफ क्लोरीन और साथ में हाफ, 8 प्लस 4 12, 12 बाय 2 6, 6 मतलब ऑक्टाहेड्रल Sp3D2। ओके अब सर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो क्या होते हैं जो लोन पेयर्स होते हैं वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे होते हैं, तो ये डिस्टेंस मैक्सिमम हो गया, फिर क्या है 180 डिग्री एंगल और एक क्लोरीन हमने यहां पर लगाया। तो अब आप देखोगे कि जितने भी फ्लोरीन है सारे क्या है सेम है, सेम एनवायरमेंट में है। यहां से आप क्या कर सकते हो, या तो एनवायरमेंट देख लो, मुझे बेटर ये लगता है इस सारे के सब साफ साफ दिख रहा है कि प्लेन ऑफ सिमिलर है, यहां से सारे कट जाएंगे, सारे सिमिलर है। बट इसमें क्या करेंगे, हम बोन्स चेक कर लेते हैं एक बारी। जो ये फ्लोरीन है इसके लेफ्ट साइड वाला जो एंगल कितना है, ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री, नहीं 90 डिग्री तो नहीं होगा, ऐसे देख सकते हैं कि जो ये है इनके साथ ये क्या है, ये 90 डिग्री एंगल है हमारे पास, ठीक है। और इन दोनों में क्या है 180 डिग्री, ये भी क्या है 180 डिग्री। तो हम ये देख सकते हैं जो फ्लोरीन है इसके लेफ्ट साइड में भी फ्लोरीन है और इसके राइट साइड में भी फ्लोरीन है, ऐसे ही सबके साथ में क्या है लेफ्ट साइड पे ही है। और जो लोन पेयर है दोनों साथ क्या है, यहाँ पे सर 90 डिग्री, तो ये भी सारे लोन पेयर साथ क्या है 90 डिग्री। तो ये सारे फ्लोरीन जो है ये क्या है सेम एनवायरमेंट में है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो चार फ्लोरीन है उनका हमारे पास क्या आएगा सिंगलेट, किस तरह से होगा। लेकिन आपको एक बात बताऊं, जो एक्सी होता है उसका शायद 5% जो होता है एक्टिव होता है, तो आप तब तक कंसीडर नहीं करोगे जब तक आपको ब्रैकेट में मेंशन ना किया हो। अगर एग्जामिनर चाहता है कि आप फ्लो, जैसे आप इन्होंने बोला होगा सपोज 19F एनएमआर में कितने सिग्नल आएंगे, आपका क्वेश्चन ये आया होगा कि 19F एनएमआर में नंबर ऑफ सिग्नल आएंगे कितने। अगर एग्जामिनर ने साइड में मेंशन करके दिया हुआ है कि जो एक्सी होता है उसका कोई आइसोटोप है जिसकी हाफ होती है स्पिन, अगर ऐसे करके मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में, तो आप उसको कंसीडर करोगे और फिर क्या करोगे चारों की कंपनी करवाओगे इसके साथ और फिर लिखोगे 4F का आ रहा है डबलेट, वो सिर्फ तब अगर ब्रैकेट में उसने मेंशन की हुई है इसकी स्पिन। अगर मेंशन नहीं की हुई है मतलब एग्जामिनर नहीं चाहता कि आप एक्सी को कंसीडर करो, ठीक है, तो आप क्या करोगे सिर्फ फ्लोरीन की वजह से देखोगे 4F सेम है, इनकी वजह से क्या आएगा सिंगलेट आ जाएगा। ओके ये वाला क्वेश्चन इस तरह से सोल्व हो गया। अब नेक्स्ट है XeOF4। इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, किस तरह से बनेगा, एक्स यहां पर है, ऑक्सीजन को इस तरह से लगाएंगे, यहां पर फ्लोरीन लिखेंगे ऐसे, और एक बजेगा इसके पास लोन पेयर, क्योंकि कितने होते हैं आउटमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्सी के, तो कितने होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरह से कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पे आप देखोगे जो चारों एफ है उनमें क्या है प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कर रहे हैं, सारे क्या है सेम है, और क्या है ऊपर की साइड पे ऑक्सीजन है और नीचे साइड क्या है लोन पेयर, तो ये सारे फ्लोरीन क्या होंगे सिंगल है, तो यहां पर क्या होगा 4F आएगा सिंगल। ओके इस तरह से हम देखते हैं। उसको देखिए उस आंसर में टाइम लगा देती हूँ, जैसे ये BrF5। ओके इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, 7 प्लस 5 12, 12 बाय 2 6। इसका स्ट्रक्चर हम क्या बनाएंगे इस तरह से, ये हो गया हमारे पास फ्लोरीन। एक सेकेंड, इसके आउटर मोस्ट में कितने होंगे 5, 5 प्लस 7 प्लस 5 और डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया हमारा इस तरह का मॉलिक्यूल। मैंने कुछ गड़बड़ करी है, एक मिनट, इसके आउटर मोस्ट में होते हैं 7, 7 प्लस 5 12, 12 बाय 2 6, मतलब इसकी शेप कैसी है sp3d2 है ये, है ना, तो उसको हम वैसे ही बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर इस तरह BR, मतलब ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर जैसा कुछ बनेगा। इसे 5 यहां हमने लगाए, यहां पर लगाए 5, यहां पर 5 और ये 5, ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। अब आप देखोगे कि जो ये सारे जो ये वाले फ्लोरीन है ये क्या है सारे सिमिलर है और ये जो है ये डिफरेंट है। अब यहां पर क्या आ गई, दो केस आ गए, एक तो है रूम टेम्परेचर पे
और एक है लो टेम्परेचर पे। अगर तो है रूम टेम्परेचर, जैसे मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया है कि क्या होता है अगर रूम टेम्परेचर पे सारे बोर्ड ना बहुत जल्दी जल्दी रोटेट करते रहते हैं, तो जो एनएमआर इंस्ट्रूमेंट होता है उसको पता नहीं चलता कौन से वाला फ्लोरीन डिफरेंट है, वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। तो रूम टेम्परेचर में ऐसे केसेस में क्या होता है, सिर्फ एक ही सिग्नल आता है, एक सिग्नल आएगा सबका, और वो क्या आएगा, एक सिग्नल आएगा हमारे पास और वो कैसा होगा, सिंगलेट, क्योंकि कपलिंग के लिए कोई है नहीं। तो रूम टेम्परेचर ऐसे केसेस में क्या होता है, सबका एक सिग्नल आता है, होता है सिंगलेट। अगर लो टेम्परेचर मेंशन किया हुआ है तो हमारे पास ये वाला फ्लोरीन डिफरेंट है और ये चारों डिफरेंट है, तो जो ये 4FA है उनका क्या आएगा हमारे पास, डबलेट ड्यू टू दिस FB, और जो एक हमारे पास FB है उसका क्या आएगा, इन चारों की वजह से 4+1 कितना आएगा, 5 क्विंटेट। अच्छा एक और बात, मैं इससे क्विंटेट वाला मुझे याद आया कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो 1FPA का क्विंटेट आया है तो इसकी इंटेंसिटी रेशियो क्या होगी, तो आप निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना, मैंने आपको सिखाया है कि जब भी हम बात करते हैं I=2 की तो हम कैसे निकालते हैं, पास्कल्स ट्रायंगल से, तो इंटेंसिटी जो रेशियो होगी वो क्या करेगी, पास्कल्स ट्रायंगल को फॉलो करेगी। तो यहां पर क्विंटेट आ रहा है तो हम पास्कल्स ट्रायंगल से इसका निकाल सकते हैं, कैसे होता है, 1:1, 1:2, 1, इसको याद करेगा, मैथ मैंने आपको बताया था, ठीक है। हम निकाल लेंगे यहां से 4:6, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी रेशियो इन केस ऑफ दिस क्विंटेट। ओके, अगर आपको नहीं पता पास्कल्स ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, किस तरह से उसको याद करते हैं, तो आप जाके पास्कल्स ट्रायंगल वाली वीडियो देख सकते हो, मैं जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, ये है IF7। तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, आई यहां पर फ्लोरीन लगेंगे इस तरह से, पेंटागोनल बायपिरामिडल इस तरह से होता है, इधर एफ इधर बी एफ, तो ये कैसा होगा, ऑलमोस्ट ऐसा तो होता है, ये क्या हो गया, ये नीचे बन गया पेंटागन और ऊपर ये एक एफ ऊपर की साइड है, एक नीचे की साइड है, तो ये हो गया पेंटागोनल बायपिरामिडल PBP। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमें दिख रहा है वैसे देखने से समझ में आएगा, ये वाले दोनों एफ जो है एक ऊपर है एक नीचे है, दोनों सेम है, और ये वाले सारे जो 5F नहीं कहे हैं सिमिलर है, सेम एनवायरमेंट में है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसका अगर हम 19F एनएमआर लेते हैं, 19F में क्या होगा, ये 5 सेम है तो 5FB का हमारे पास क्या आएगा, कपलिंग होगी इन दोनों के साथ, और दो के वैसे क्या आएगा, ट्रिपलेट, और जो ये 2FA है इनका हमारे पास क्या आएगा, इन 5 की वजह से सेक्सटेट। रेशियो हम कैसे निकालेंगे, पास्कल्स ट्रायंगल से। ओके, इस तरह के क्वेश्चन को मैसेज सोल्व करते हैं, इसको अगर आप निकालोगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था आई में कितने होते हैं, आपको 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एफ की भी 7 डिवाइड बाय 2, 7+7 14 डिवाइड बाय 2 7। ओके, 7 के केस में हमारे पास दो पॉसिबिलिटी होती है, एक होता है डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, एक होता है पेंटागोनल बायपिरामिडल, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इस तरह का होता है। ओके, हाँ उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वैसे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जैसे मान लो HF है, मॉलिक्यूल है HF, आपको इसका लेना है 1HNMR, तो 1HNMR में क्या होगा, और कोई है नहीं, इसके साथ कपलिंग करनी ही पड़ेगी, क्या होगा, एक सिग्नल आएगा वो क्या आएगा, ये वाला जो प्रोटोन है इसके साथ कपलिंग करेगा, वो क्या आएगा, डबलेट ड्यू टू फ्लोरीन, और अगर इसका हम 19FNMR लेते हैं तो क्या होगा, H की वजह से आ जाएगा डबलेट। और उसके बाद है हमारे पास PH3, ये बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है, PH3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, ये P है, यहाँ पे लोन पेयर्स होते हैं, ये पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है ऐसा, ठीक है। इस वाले केस में क्या है, जो ये तीनों H हैं, ये क्या है, सेम है, तो क्या होगा, इन तीन H अगर हम इसका ले रहे हैं 1HNMR, हमारे चैनल मार अगर हम ले दें तो क्या होगा, पी का हमें ऑलरेडी पता है आई कितना होता है, हाफ। देखो अगर आपको याद भी ना रहेगी पी का हाफ होता है तो भी एग्जाम में आपको मेंशन करके देगा क्वेश्चन में कि जो पी होता है उसका आई हाफ होता है, क्योंकि देखो चाहे नेट का एग्जाम हो, गेट का एग्जाम का, कोई भी एग्जाम हो, वहां पे जो भी एग्जामिनर होते हैं उनकी मेन इंटेंशन होती है कि वो आपका कंसेप्ट चेक करें, ये नहीं चेक करते हो कि आपने कितना रट्टा लगाया हुआ है, आपको कितनी सारी वैल्यूज याद है, वो सिर्फ ये देखते हैं कि आपका कंसेप्ट कैसा है, ठीक है। तो ऐसी वैल्यूज आपको ब्रैकेट में लिखी हुई मिल जाती है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम 1HNMR लेते हैं, इसका करेंगे
क्या होगा, पी है कप नहीं करेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा तीन एच का एक सिंगल आएगा, वो क्या होगा डबलेट। इसका अगर मैं 31 पी एन मार लेती हूँ तो क्या होगा, ये तीन तीनों का कप नहीं करेगा, तीनों सेम है, तो इस तरीके से एक सिग्नल आएगा, एक फर्स्ट प्लस का एक सिग्नल आएगा, वो क्या होगा क्वार्टेट ड्यू टू दिस थ्री आइडेंटिकल प्रोटॉन्स। नेक्स्ट है PF5। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है हमें पता है, इस तरह का होता है, जैसे ही टीवी पे आती है हम फिर से वही कंसीडर करेंगे फ्लक्सियोनियल बिहेवियर। उसमें क्या होता है, अगर दिया हुआ है रूम टेम्परेचर तो जितने भी ये पांच फ्लोरीन है सबका क्या आएगा सिंगलेट, रूम टेम्परेचर पे आएगा सिंगलेट। अगर बोला हुआ है कि लो टेम्परेचर पे ले रहे हैं एनएमआर तो उस वाले केस में ये ए और सारे इक्विटोरियल वाले सेम बी बी ऐसे, ठीक है। लो टेम्परेचर पे क्या होगा, जो दो एफ ए है हमारे पास वो कपलिंग करेंगे इन तीन के साथ और फिर क्या हो जाएगा एन प्लस वन, थ्री प्लस वन मतलब क्वार्टेट फोर। ऐसे ही जो इक्विटोरियल वाले हैं तीन फ्लोरीन वो क्या करेंगे एक्सियल वाले के साथ कपलिंग, एक्सियल पे कितने हैं दो, दो फ्लोरीन है, कैसा आएगा एन प्लस वन टू प्लस वन थ्री और ये हो जाएगा हमारे पास ट्रिपलेट। इस तरह से हम निकालते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इससे ना सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, थोड़ा सा डाउट भी होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। देखो ये है PF3Cl2। अब क्या है, इसके यहां तीन पॉसिबल स्ट्रक्चर्स यहां पे लिखे हुए हैं, इसमें कौन सा सही गलत है वो हम स्ट्रक्चर नहीं देख रहे क्योंकि हमारा यहाँ पर हम केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ रहे, यहाँ पे सिर्फ एनएमआर निकालना सीख रहे हैं। तो एक ये वाला स्ट्रक्चर है, एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर है जिसमें फ्लोरीन को यहाँ पर लगाया हुआ है। अभी अगर बेंच रूल लगाए लोगे तो आप बोलोगे कि मैम ये वाला स्ट्रक्चर गलत है, यहाँ पर फ्लोरीन यहाँ पर आएंगे, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको सिंपल बता रही हूँ जो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं वो लिखना है। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं, सबसे पहले ये है हम ले रहे हैं इसका 31 एनएमआर, हम इन तीनों के केस में देखते हैं अगर हम 31 पी एनएमआर लेंगे तो किस तरह से होगा। क्लोरीन है इसकी वजह से कोई सिग्नल नहीं आएगा, कौन करेगा सिर्फ फ्लोरीन के साथ कपलिंग होगी, इसकी क्या होती है आई इज इक्वल टू हाफ। अब जो ये तीनों फ्लोरीन एटम्स हैं ये सारे क्या है इक्विटोरियल और तीनों ही क्या है सेम एनवायरमेंट पे है, तो क्या होगा हम क्या करेंगे 2n+1 लगाएंगे, एन क्या है अब तीन फ्लोरीन है हमारे पास, फ्लोरीन की आई कितनी होती है हाफ प्लस वन, तो ये क्या हो गया 2+1 क्वार्टेट। तो यहां पर क्या होगा जो एक फॉस्फोरस एटम है उसकी वजह से हमारे पास क्या आएगा क्वार्टेट ड्यू टू कपलिंग विद थ्री फ्लोरीन एटम्स। इस वाले केस में देखते हैं, यहां पर देखो अब मैं बात कर रही हूँ लो टेम्परेचर पर, देखो अगर रूम टेम्परेचर है या फिर हाई टेम्परेचर है तो ये वाले फ्लोरीन आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे और सिर्फ एक ही सिग्नल आएगा। अब मैं बात कर रही हूँ सिर्फ, अब मैं सारे आपको बता रही हूँ लो टेम्परेचर पर बात कर रहे हैं, लो टेम्परेचर पर क्या होगा एक्सियल वाले सेम है और ये इक्विटोरियल वाला डिफरेंट है, तो यहां पर अब क्या होगा ये वाला फ्लोरीन पहले इनके साथ कपलिंग करेगा, दो है तो इसकी वजह से आएगा ट्रिपलेट और ये एक है इसकी वजह से आएगा डबलेट। ठीक है, या फिर इसको हम क्या ले सकते हैं पहले इस साथ करेगा तो डबलेट और इन दोनों के साथ करेगा तो ट्रिपलेट, इन दोनों में से कोई जो भी ऑप्शन आपको अवेलेबल होगा फोर ऑप्शन में से आप उसको टिक मार्क करोगे। तो ये हो गया, यहां पर हम देखते हैं यहां पर ये कैंसर एक एक्सियल है और जो दो इक्विटोरियल वाले फ्लोरीन है ये दोनों क्या है सेम है, इक्विटोरियल वाले सेम होते हैं इस वाले ज्योमेट्री में, एक्सियल वाले डिफरेंट होते हैं, तो यहां पर क्या होगा ये वाला पी के साथ कपलिंग करेंगे तो क्या आएगा डबलेट, इन दोनों का करेगा तो क्या आएगा ट्रिपलेट, तो यहां या तो डबलेट ट्रिपलेट या फिर ट्रिपलेट डबलेट, जैसे मर्जी लिखना है लिखो। अब अगर मैं यही चीज आपसे पूछ रही हूँ रूम टेम्परेचर पे, क्वेश्चन वही है आपको लिया 31 एनएमआर ही है बट वो किस पे है रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे क्या होगा ये वाले फ्लोरीन तो वैसे ही सेम है तो इनकी वजह से तो क्या आएगा क्वार्टेट ही आएगा, अगर रूम टेम्परेचर है तो भी, अगर रूम टेम्परेचर की बात करें तो भी क्वार्टेट आएगा। इस वाले केस में अगर रूम टेम्परेचर है तो ये वाले चेंज कर सकते हैं, तो इस वाले केस में क्या होगा तीनों फ्लोरीन एक जैसे हो जाएंगे और यहां पर भी आएगा क्वार्टेट। ऐसे ही इस भी केस में क्या होगा ये चेंज होते रहते हैं आपस में तो यहां पर भी क्या होगा क्वार्टेट आएगा, ये तीनों क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे एट रूम टेम्परेचर या फिर एट टेम्परेचर विच इज हायर देन रूम टेम्परेचर, वहां पर क्या होगा ये तीनों फ्लोरीन सेम हो जाएंगे और इनकी वजह से क्या आएगा क्वार्टेट। तो अगर क्वेश्चन में मेंशन है रूम टेम्परेचर में निकालना है इन तीनों के तो सभी केस में जाएंगे क्वार्टेट क्वार्टेट क्वार्टेट, बट अगर लो टेम्परेचर पे है तो डिफरेंट आएंगे जिसमें आपको पहले निकाल के दिखाया।
अब हम करेंगे इसका 19F NMR। अब अगर हम कर रहे हैं इसका 19F NMR तो देखो कपलिंग किसके साथ होगी, पी के साथ, है ना। ये जो तीनों फ्लोइंग है ये क्या है, सेम है, सारे ही एक इक्विटोरियल पोजीशन पर है तो सारे सेम है। अगर इसका 19F NMR ले तो क्या होगा, जो तीन F है, F A है वो कपलिंग करेंगे P के साथ, P एक ही है तो क्या आएगा डबल F। ओके, यहां पर क्या है, ये दो P दो F जो है ये डिफरेंट है, तो जो दो F है वो है डिफरेंट। अब वो क्या करेंगे, इसके आप भी कपलिंग करेंगे, ये वाला F क्या है डिफरेंट है, वो भी क्या है वन टू, टू जे कपलिंग हो रही है तो कपलिंग होगी, इसकी वजह से क्या आएगा डबलेट। और अभी इससे हम भी कपलिंग करेंगे, इसकी वजह से भी क्या आएगा डबल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो दो एफ ए है उनका आएगा डबल डबलेट, या फिर डबल डबलेट, इसको हम कैसे बोलते हैं डबलेट ऑफ डबलेट, ऐसे बोल देते हैं। और जो एफ बी है, वन एफ बी जो है ये क्या करेगा, इन दोनों के साथ कपलिंग करेगा, पहले एफ एफ के साथ तो क्या हो जाएगा ट्रिपलेट आएगा, और इसके हम भी कपलिंग करेंगे तो उसकी वजह से क्या आएगा डबलेट, उसमें कर लेंगे ट्रिपलेट डबलेट। या फिर इसको पहले देख लो कि पहले जो वन जी कपलिंग है पी के साथ होगी वो क्या होगी डबलेट आएगा, और इन दोनों की वजह से क्या आएगा ट्रिपलेट, इस तरह से देखते हैं। यहाँ पर भी आप ऐसे ही करोगे, जो ये दो एफ बी है ये सेम है, ये इस तरह भी कपलिंग करेंगे पी के साथ भी और एफ ए के साथ भी, इस साथ करेंगे तो आएगा डबलेट, इस एफ बी के साथ करेंगे तो आएगा डबलेट। अब हम बात करते हैं एफ ए की, ये इन दोनों एफ के साथ करेगा, दोनों एफ सेम है तो 2n+1 वहां से निकाल के लगा सकते हो, एन प्लस वन हो जाएगा, दो है तो ये आएगा ट्रिपलेट और इसका आ जाएगा डबलेट। ठीक है, अब मैं आपको वो एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि हम बहुत सारे एग्जांपल कर चुके हैं, तो आप यूज टू हो गए होंगे इन सब चीजों के लिए। तो ये वाले क्वेश्चंस हो गए हैं, बाकी एक दो एग्जांपल और देखते हैं। चलो ठीक है, जितने भी ऐसे एग्जांपल्स से मैंने आपको कवर करवा लिए, बाकी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो कुछ अगर बचा होगा जो प्रीवियस ईयर में आया होगा वो तो हम उसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बेसिक वाले एग्जांपल सारे कवर हो गए हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सैटेलाइट सिग्नल, ऐसे वाले क्वेश्चंस अब सीएसआईआर नेट में पूछने लगे हैं, हो सकता है गेट में भी ऐसे क्वेश्चंस आए हों। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट नेक्स्ट स्पेशल वीडियो बनाऊंगी उसके लिए, सैटेलाइट सिग्नल हम निकालना सीखेंगे और बड़े सारे एग्जांपल्स भी करेंगे। ओके, सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल प्लीज शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।